Girija Oak and Teacher Joshi playing the lead character. Before we start off, एक छोटी सी झलक देते हैं शो को. कितना करूँ उनको? अरे फ्रेम ऊपर है नीचे है? ओवर टाइम भी नहीं देता. अरे मेघा, नया मैनेजमेंट है, थोड़ा टाइम लगेगा पर ऑयल सेटल है. तेरे बॉस को बोल, उसकी वजह से तू अपनी वाइफ को घुमाने को नहीं ले जाता. वो करता है क्या अपनी वाइफ के साथ ऐसा? मैं क्या बोलती हूँ, तू ना सोशल मीडिया पे अपने नए मैनेजमेंट की कंप्लेंट कर दे. मैंने कल ही वहाँ पे अकाउंट बनाया, वहाँ पे जो डालू ना सब वायरल हो जाता है. तेरा ये वायरल होने का भयंकर आइडिया तू अपने पास रख मेरा. वहाँ पे सिर्फ सेलिब्रिटीज की बातें वायरल होती है, हमारी नहीं. और हाँ, मलाम नजर जॉब फ्री है. जॉब फ्री है, भाई को नहीं. काहे बाबा, उससे क्या शर्माना? चाली गए कुछ साल बाद सास भी आपने देखा. एक्चुअली हमने भी पहली बार देखा. हां, पहली बार. तीन अलग अलग कहानियां हैं जो ये किरदार निभाते हैं, पर कैसे एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं इवेंचुअली ट्रेन फ्रेंड्स बनके, ये इसकी खास बात है. आई वुड रिक्वेस्ट देम टू टॉक अबाउट देयर कैरेक्टर अ लिटिल बिट. शबी, यू वांट स्टार्ट फर्स्ट? सो जैसा आप सबने देखा कि मेरे कैरेक्टर का नाम है प्रार्थना कश्यप, जो नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करती हैं और रियल लाइफ में मैं भी पटना से बिलोंग करती हूँ. ये कहानी ऐसी है जो जिससे हर एक लड़की रिलेट कर सकती है, क्योंकि बहुत सारे घर में ऐसे देखते हैं कि बेटी ही बेटा होती है, मतलब घर को पूरे तरीके से बेटी ही संभालती है. उसी तरीके से प्रार्थना कश्यप भी अपने घर की बेटा है, जिन्हें अपने आप को जो पूरी तरीके से भूल चुकी हैं. जैसे कि आपने सुना भी इसमें कि वो बोलती हैं कि मैं 30 साल की हो चुकी हूँ. तो होता है ना कि जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, माँ बाप की, आपका भाई भी छोटा है, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ आप ही हो जो घर के पूरे खर्चे उठा रहे हो, तो धीरे धीरे जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके सपने हैं, वो आप गिव अप करते जाते हो. बट प्रार्थना में बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट है. तो ये सारी चीज़ें जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की में माँ पहले से ही डालती है, बचपन से ही डालती है, जैसे सहनशीलता है, सैक्रिफाइस है, कॉम्प्रोमाइज है, सारी चीज़ें प्रार्थना के अंदर हैं. पर समहाउ प्रार्थना ऐसी बन चुकी है कि थोड़ी सी वो सीरियस है, मैच्योर भी है, लेकिन किस तरीके से अपने लाइफ के चैलेंजेस को कम करती है. फिर उसकी दो सहेलियाँ भी बनती हैं जो गिरिजा जी प्ले कर रही हैं और बीजा जी प्ले कर रही हैं, मराठी बैकग्राउंड और गुजराती बैकग्राउंड. तो कैसे ये तीनों सहेलियां बनती हैं, अपनी अपनी जिंदगी के चैलेंजेस बताती हैं और कैसे आगे बढ़ती हैं, ये पूरी स्टोरीज पे अब आप बताएंगे. मैं मेघना निकाड़े का किरदार निभाती हूँ इसमें. इतनी हिंदी में उसमें बोलती नहीं, वो मैं अभी बोल रही हूँ. वहाँ पे बहुत मराठी मुंबई वाली हिंदी बोलती हूँ. तो मेघना का परिवार है, जैसे आपने देखा, पति है, दो बच्चे हैं, ससुर जी है जिनके साथ एक बहुत खास रिलेशनशिप है उसका. मेघना एक ऐसी लड़की है जो सपने देखना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है और मेहनत करके उनको पूरा भी करना चाहती है. तो वो ऐसी नहीं है कि जो अभी जो कुछ है लाइफ में उसके साथ संतुष्ट है, वो कुछ और करना चाहती है. और सिर्फ कुछ और करना चाहती नहीं है, सिर्फ ये कहती नहीं है कि मुझे कुछ और करना है, वो मेहनत भी करना चाहती है. तो वो घर भी संभालती है, वो एक बिजनेस भी करना चाहती है और मल्टीटास्कर है, जैसे हम हर हाउसवाइफ को कहते हैं. तो ये उसकी जर्नी है कि वो अपना कुछ खुद का करना चाहती है और वो उसको कैसे करती है और उसे करने में उसे इन दोनों की कैसी सहायता होती है और उसके घर में क्या जर्नी उसकी आगे कैसे बढ़ती है, ये मेघना का किरदार है. मुझे बड़ी खुशी हो रही है इसको निभाने में, क्योंकि एक तो मैं महाराष्ट्रीयन हूँ और जैसा कि आपने इस शो का फ्लेवर देखा, ये काफ़ी रियल है. सिर्फ मराठी फैमिली है या गुजराती फैमिली है तो कुछ एक दो वर्ड्स यूज़ कर लिए, पहराव वैसा कर लिया, ऐसा ये शो नहीं है. इसमें एक्चुअल कल्चरल रेफरेंसेस है, इसमें एक्चुअल भाषा यूज़ की है. तो जब मैं मेरे सेटअप में होती हूँ तो मैं काफ़ी इनपुट्स मेरी भी तरफ से देती हूँ, लाइकवाइज फॉर दीज टू ऑल्सो, क्योंकि हम हमारे कल्चर्स को बहुत अच्छी तरह बिलोंग करते हैं, काफ़ी डीप रूटेड है हमारे खुद के कल्चर्स में. तो उसका एक फ्लेवर हम कोशिश करते हैं कि ले आए और सुपरफिशियली नहीं,
उसको रियलिस्टिकली ले आए. तो आई होप ये सबको पसंद आए. बिंदु जी नमस्ते. मैं इसमें बिंदु देसाई का रोल प्ले कर रही हूँ. वो एक गुजरात के अंजा गांव से है. उसका गुजराती डायलेक्ट आता है विच इज़ वेरी नॉर्मल कि हम लोग ना ऐसे हिंदी बोलते बोलते भी थोड़ा गुजराती तो डाल ही देते हैं. सो शी इज़ वेरी पॉजिटिव, अनबिलीवेबली पॉजिटिव. उसके लिए जैसे बोला जाता है कि ग्लास आधा खाली है या भरा होता है, उसके लिए कि बस ग्लास तो है ना, इनफ हो गया. सो शी इज टू पॉजिटिव, हैप्पी गो लकी गर्ल, पब्ली, ऑलवेज स्माइलिंग. एंड जैसे आपने देखा कि उसका हस्बैंड उसको फर्स्ट नाइट को ही बोल दे रहा है कि ये मजबूरी की शादी है. सो राधर देन शटर होना या यू नो रोना धोना स्टार्ट करने से, उसने सोचा कि उसको भी एक पॉजिटिव वे मिली थी कि मेरा हस्बैंड मुझसे झूठ भी बोल सक रहा था, लेकिन ही डिडंट लाइक टू मी. सो ठीक है, फ्रेंड्स बन के रहेंगे, बाकी लोगों की तरह ऐसे क्रीप करके या रोने धोने से मतलब नहीं है. लाइफ निकालनी है तो पॉजिटिवली निकाल. So every time she has one or other positive way of खुद का उसका नजरिया देखना and थोड़ा ऐसे ज्यादा बोलती है. She's very talkative. उसको मुद्दे पे आते आते दो तीन पेज के डायलॉग लग जाते हैं जो बोलते बोलते हम लोग ट्रेन आउट हो जाते हैं. पर इट्स फन. यू लव दैट कैरेक्टर. थैंक यू. वेट करना हो गया तो भाई अड़ जाओ यार. भाई आगे आ जाओ. यस लुक यस दूसरे वाला काम ही नहीं है तो काम कर रहे हो. यस मैम. यस सेंटर दिस साइड मैम. यस सेंटर हो गया. आई ये इतनी सेंटर मैम. वेट करना है. हां वेट करना है. बढ़ जाए बेहतर है. अनिल भाई मैम सेंटर.